हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, अगर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और उसमें आपको केवाईसी अपडेट कराना है तो आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इस फॉर्म को फिल करके दिखाने वाला हूँ कौन से जगह पे आपको क्या फिल करना है। साथ ही मैं बताने वाला हूँ कि आपको इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जीरोक्स आपको अटैच करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी जगह पे आपको क्या लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम लिख देना है, जो जिस भी नेम से आपका अकाउंट हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम लिख देना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं उस पर टिक करेंगे। देन यहाँ पे उनका नेम लिखेंगे। यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी लिखना होता है, ये आपके पासबुक पे होता है। ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। मैंने अकाउंट नंबर लिखने में यहाँ पे दो तीन जगह क्रॉस कर दिया है, तो आपको ये नहीं करना है। पूरा अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। तो सबसे पहले अगर आप गाँव से रिलेटेड हैं तो यहाँ पे आपको विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा कुछ लिखना होगा। अगर अदरवाइज अगर आप शहर से हैं तो वहाँ का पूरा एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सिटी लिखने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप सिटी लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अपना पिन कोड लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, जो भी आपका स्टेट हो वो लिखेंगे। यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर ये खाली छोड़ दें, मोबाइल नंबर में आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, ये भी अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग लिखें। नीचे आते हैं, नीचे आने पे आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो उसका यहाँ पे नंबर लिखेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे फॉर्म नंबर 60 और 61 फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है उस केस में तो यहाँ पे 60 और 61 आपको मिल जाएगा बैंक में ही, या फिर आप लोग इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस अपना लिखना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो वो आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज, यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन, यहाँ पे इंडिविजुअल पे टिक कर देना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे। नीचे आते हैं ऑक्यूपेशन आपका क्या है वो लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया लिखेंगे यहाँ पे। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट कौन सा जमा करना चाहते हैं एज ए प्रूफ, तो यहाँ पे मैंने जैसे एक आधार कार्ड लिखा और एक पैन कार्ड लिखा है, तो ये दोनों आप लोग लिख दें यहाँ पे। नीचे आते हैं, नीचे आने पे यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा था, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ऑक्यूपेशन मैंने स्टूडेंट लिखा है। अगर आप वर्किंग है तो यहाँ पे आपको अपना इनकम का पूरा इन्फॉर्मेशन देना होगा, आपको सैलरी मिलता है या फिर बिजनेस है आपका, जो भी आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर है तो इस पर पेंशन है या फिर अदर्स, तो इस पर अपने अकॉर्डिंग आप लोग टिक कर दें। देन आपको यहाँ पे एनुअल इनकम लिखना है, एनुअल इनकम यानी वन मंथ का जो भी आपका इनकम हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेटवर्थ, एनुअल टर्नओवर, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे फिल कर देना। अगर नहीं भी फिल करते हैं तो कोई इशू नहीं है। नीचे आते हैं, नीचे आने पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना होता है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पे एक फ़ोटो पेस्ट कर देना है लास्ट 6 मंथ का। ध्यान रखें फोटो जो होना चाहिए वो लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, जो रिसेंट का यानी कि। तो यहाँ तक आपको फिल करने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा ये सारा कुछ। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिल करना, ये ब्रांच के अधिकारी यहाँ पे फिल कर लेंगे जो भी उनको फिल करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ कौन कौन से प्रूफ अटैच करना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आधार और पैन, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे प्रूफ में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिखा है, तो इसीलिए मुझे इसका जीरोक्स देना होगा, प्लस पासबुक का आप लोग जीरोक्स करवा लें। ये तीनों चीज़ का इसके साथ फोटो कॉपी आप लोग अटैच करेंगे और इस फॉर्म को अपने बैंक में जमा करेंगे। सो आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप कि आपका भी ये फॉर्म फिल हो गया हो अच्छे से। आपका ये फॉर्म फिल हो जाता है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और इस फॉर्म को फिल करते वक्त अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहां पे रिप्लाई दे दूं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।